बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी को भी लपेट लिया है। दरअसल पटना में भीम संसद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से पहले की कानून व्यवस्था को लेकर ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद वहां मौजूद सब लोग हैरान पड़ गए। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के राज का जिक्र करते हुए कहा, 2005 के पहले शाम 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। बता दें कि 2005 से पहले लालू और राबड़ी देवी की सत्ता थी, हालांकि उन्होंने संबोधन में लालू और राबड़ी का नाम नहीं लिया। नीतीश कुमार ने मंच से कहा, हम 2005 में आए उसके पहले शाम को कोई आदमी बाहर नहीं निकलता था। आज देखिए, शाम और देर रात तक लोग घूमते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबके हित में हम लोगों ने काम किया है और सबके लिए काम करते हुए कोशिश की है। जिसके लिए नहीं था उसके लिए भी राज्य सरकार ने काम किया। आज देखकर खुशी है कि बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं यहां पर हैं। कितना अच्छा लग रहा है। पहले क्या था, महिलाएं और लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। जब सबके लिए काम करना शुरू किया, बता दें कि राजधानी पटना के वेटरनी कॉलेज ग्राउंड में रविवार को जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा भीम संसद का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ पहुंची थी। इसके अलावा मंच से देश के प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इसके नारे भी खुद मंत्रियों ने लगाए। इसके अलावा उन्होंने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने का भी मुद्दा उठाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 2005 के पहले का जिक्र नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। इससे पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं जिसमें वो याद दिला चुके हैं कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं कि जब 2005 के बाद से जेडीयू शासन में है, वो किसी भी गठबंधन में हो, चाहे भाजपा के साथ हो या लालू के साथ हो, उनका ही एजेंडा चलता आया है।